हेलो, सलाम वालेकुम जी। मैं वालेकुम सलाम। की हाल है को ठीक हूँ। कौन बोल रहा है, कहाँ से? जी जी? मैं थाना फैसलाबाद से बोल रही हूँ। बिस्मिल्लाह जी। मेरा बेटा हमारी ठीक ठाक, हमारी बहस एक 4-5 दिन पहले जी, उसका खान खराब हो गया, उसमें नाक पड़ी हुई है, सख्त भी है अच्छा इसरार, अच्छा तो दूध नहीं आ रहा उसमें एक कतरा भी, तो क्या ओहो, ठीक हो जाएगा? ओ उसका मेरा बेटा, उसका इलाज कराना पड़ेगा। नाड़ का जो होता है ना, वो जी। थोड़ा लंबा होगा इलाज। उसको आप लिख लें, होम्योपैथी बोले के मिल जाएंगी दवाइयाँ। कैल्केरिया फ्लोर 6X और दूसरी है कोनियम 200। ये दोनों लेके 10-10 कतरे आप पेड़े में सुबह और 10 कतरे अच्छा शाम। एक और भी ले लें, सलेशिया मिल जाएगी साथ, सलेशिया 200, वो भी ले लें। ये तीनों को 10-10 कतरे सुबह शाम देंगी ना, वो देती जी। रहें तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो नाड़ ठीक हो जाएगी। चल पड़ेगा काम दोबारा, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। टाइम लगता है उसमें, नहीं तो तकरीबन दूसरा कितना? वो जब खत्म होगी इंशाल्लाह तहलील हो जाएगी नाड़। या अगर जी देख लें, बिल्कुल कतरा भी नहीं दूध आ रहा। नहीं, कतरा भी नहीं आ रहा ना, करके महसूस होती है जिस तरह बांध की रस्ती नहीं होती, उस तरह महसूस होती है कान में। नहीं मेरा बेटा, ये होता है ना कि अगर बिल्कुल कतरा भी दूध ना आ रहा हो तो वो जी थन थानन जो होता है ना, वो मारा जाता है, मारा गया होता है। उसका जी ये मेस्टाइटिस है, इसका इलाज नहीं होता। लेकिन आपने कहा नाड़ है, तो ये कोशिश कर लेते हैं ना, नाड़ ठीक होगी तो अल्लाह फजल करेगा, हो सकता है अल्लाह ताला ठीक कर दे। नहीं निकलता। नहीं मेरा बेटा, दूध का कतरा नहीं है। अगर तो दूध आ रहा हो ना एक कतरा भी, तो वो जेरे इलाज होती है चीज। अगर कतरा भी दूध ना आए, पानी आ रहा हो, तो में उसका मतलब होता है कि थन उसका मारा गया है। लेकिन मैं दुआ करूंगा अल्लाह बेहतर करेगा नाड़ के लिए। ये होम्योपैथी वाला नुस्खा ये आप आजमा लें, ठीक है? जाने चांस कम है। जी मेरा बेटा, अल्लाह ताला के हाथ में है ना हर चीज, ठीक है जी ना? आप डॉक्टर हैं, आपके पास ऐसे केस आते होंगे भी, ठीक हो जाती है कि नहीं? मेरी बेटू, मेरा बेटू, मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास इतने केसेस आए हैं, नाड़ बहुत सारे में ठीक हो भी गई है। और अगर उसमें कतरा दूध आ रहा हो तो फिर तो दूध आ जाता है। अगर दूध कतरा भी नहीं आता, बिल्कुल ही बंद है, खत्म हो गया है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और आपने वो बिस्किट उठ के तो दिए हैं, ये नींबू वगैरह और लहसुन की खीर वगैरह, ये ये तो कौन दे रहे हैं सा मेरा बेटा, ये कौन सा वलाती है? ये भी होम्योपैथी का है ना, जी। वो दूसरा भी है, वो भी करना है तो वो भी कर ले, जिसमें 7 लीमू कलमी शोरा, 7 लीमू ठीकरी नुशादर है, जी, वो तो दे रहे हैं वो दे रहे हैं ना, तो उससे कोई फर्क जी, नहीं हम पड़ आपकी वीडियो सारी देख रहे हैं, देखते हैं ना तो फिर दोबारा से मेरा जी बेटा क्यों पूछ रहे हो? जब हर चीज देख रहे हैं, उसमें बार बार मैंने बताया हुआ है कि बाबा अगर थन में से कतरा भी पान दूध आ रहा हो तो ठीक हो जाता है। और मेरे टीकों से ठीक हुए हैं, बहुत सारी ठीक हुई हैं। लेकिन जिसमें दूध का कतरा नहीं आता, बिल्कुल पानी आता है, वो जी नहीं नहीं ठीक हुई। मैं डॉक्टर जो होता है ना, जी वो अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज को तसल्ली तसल्ली दे, कर तसल्ली भी दे, ठीक है ना? ये तो जी। नहीं कहेगा नहीं हो मारे गए हो, ये हो गया, नहीं बाबा, कोशिश करके देख ले। और दुआ करूंगा अल्लाह ताला करे मेरा बेटा ठीक हो जाए, ठीक है? डॉक्टर साहब जी, पहले भी तो आपकी कॉल आती रही है, मुझे याद है।
आपको पहले भी तो ठीक होते ही रहे हैं ना डॉक्टर, जितने हैं ठीक नहीं हुए पहले सारे जी, होते तो। हैं, अपना कोई मसला हो तो आप वीडियो निकाल के वही स्किन बना हाँ के देते हैं। तो ये आप कोई चक है या उधर से ही है फैसलाबाद से? इधर समुद्री साइड समुद्री साइड पे चले, समुद्री वो कोहला, वो जो नलका कोहला भी उधर ही है ना। वाला, समुद्री मरीज वाला इधर हाँ इस साइड पे, हरियाणा साइड पे जी। हर जाने से पता है मुझे, वो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं आपके कबड्डी के, वो लाला बैदुल्ला और दूसरे मुझे वो देखता रहता हूँ कभी भी कबड्डी के मैच थे वो, उसमें वो ये आपके गांव के नाम आते रहते हैं उनके। चले मेरा बेटा, मैं दुआ करूंगा ठीक हो जाएगा और हो जाएगी, और अभी वो जो दे रहे हैं वो भी देते रहे, साथ ये होम्योपैथी वाले कतरे देने शुरू कर दें बिस्मिल्ला कर। ठीक है, ठीक, अल्लाह फजल करेगा, चलो और दुआओं में शुक्रिया, अल्लाह याद हाफिज। रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मेरा बेटा। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, हजरत अबी मालिक अल अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी नस्फ ईमान है। ये मैं मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फी मानला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।